नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रोहन सिंह गेट माय यूनिवर्सिटी की टीम से। हरियाणा में बहुत सारे ऐसे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं जहां पे 30-40% से लेके 50% प्लस सप्ली आते हैं मेडिकल एग्जाम्स में, और ये आपको जानने की जरूरत है क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि एकेडमिक में कितना गैप है। जब भी आप चॉइसेस डालें कॉलेज की, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि किस कॉलेज की जो है पासिंग रेशियो क्या है, एकेडमिक में क्या गैप है। इसके लिए आप गेट माई यूनिवर्सिटी टीम को कनेक्ट करें, आप हमारी सर्विस अवेल करें जिससे आपको एक बेहतर काउंसलिंग, एक बेहतर कॉलेज आपको मिल सके। और इसके लिए आप नीचे दिए हुए नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारी सर्विस आप अवेल कर सकते हैं। गेट माई यूनिवर्सिटी की 15 ईयर प्लस एक्सपीरियंस है काउंसलिंग प्रोसेस को लेके। हमारा जो है सक्सेस रेशियो बहुत अच्छी है क्योंकि हम एनालिसिस करते हैं चीजों को, हम कॉलेज की एनालिसिस करते हैं, हम कट ऑफ्स को एनालिसिस करते हैं, हम इस सारे प्रोसेस को हम अच्छे से हैंडल करते हैं जिससे एक बच्चे को कहीं ना कहीं आपको काउंसलिंग प्रोसेस में कोई भी गैप ना है। इसी दरमियान जो आज मैं कॉलेज की रिव्यू करने जा रहा हूँ वो है एनसी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पानीपत। अगर कॉलेज की बात करूँ तो कॉलेज पानीपत सिटी से लगभग 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, दिल्ली से 2 आवर्स का डिस्टेंस है कॉलेज का। कॉलेज में कुछ कुछ गैप्स हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। यहाँ यूजी कोर्स के साथ साथ आपको पीजी कोर्स भी आपको अवेलेबल होंगे। आइए कॉलेज की पूरी जानकारी पूरी डिटेल में आपको शेयर करता हूँ, तब तक आप बने रहिए पूरी वीडियो में। ज्यादा से ज्यादा आप सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें जिससे आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल सके और भी मेडिकल एस्पिरेंट्स को इसका बेनिफिट मिले। अगर कॉलेज की बात करें, कॉलेज 2016 में एस्टैब्लिश हुआ है, 150 सीट्स का इंटेक है, पार्शियली रिकॉग्नाइज्ड है। अगर पीजी सीट्स की बात करें तो 10 डिपार्टमेंट में टोटल 27 सीट्स अवेलेबल हैं पीजी की। अगर हम एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ आपको हरियाणा स्टेट की काउंसलिंग प्रोसेस में आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अगर यूजी कट ऑफ की बात करें तो 190 का स्कोर लोएस्ट रहा है यहाँ पे मापअप में, और पीजी कट ऑफ की बात करें तो मेडिसिन आपको 16,962 का गया है, रेडियो आपको 21,200 के, ओबीजी आपको 31,521 का गया है, पीडिया आपको 40,442 का गया है, ऑर्थोपेडिक्स आपको 40,790 का कट ऑफ रहा है, लोएस्ट कट ऑफ ऑप्थोमोलॉजी का 94,416 का रहा है। हॉस्पिटल की बात करें, 680 बेडेड टीचिंग हॉस्पिटल है, कैंपस के अंदर है। पेशेंट फ्लो की अगर बात करें तो 300 से 400 ऑन एन डेली का एवरेज है। 315 फैकल्टी मेंबर्स हैं यहाँ पे। पीजी में अभी स्टाइपेंड जो मिल रहा है वो हर ईयर पर मंथ आपको 30,000 आपको स्टाइपेंड यहाँ मिलेगा। बॉन्ड की कोई भी कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है। कनेक्टिविटी की बात करें तो आपको IGI दिल्ली एयरपोर्ट आपको नियर है, और आपको पानीपत रेलवे स्टेशन आपको अराउंड 19 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। पासिंग परसेंटेज की बात करें तो यहाँ पे आपको 95% जो है आपको 145 में 138 का रहेगा, फर्स्ट बैच में आपको रहा है। इसके बाद अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी है। हॉस्टल की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको शेयरिंग रूम्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा जो है वाईफाई की कनेक्टिविटी है। मेस फैसिलिटी की बात करूँ तो वेज और नॉन वेज दोनों फूड यहाँ पे अवेलेबल हैं। कैंपस हाइलाइट्स और फैसिलिटी की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिक है, AC क्लासरूम है, गेस्ट हाउस है, कैफेटेरिया है, सेंट्रल लाइब्रेरी है, कॉमन रूम्स है, और फैकल्टी के लिए आपको रेसिडेंशियल क्वार्टर्स बने हुए हैं। स्टूडेंट फीडबैक के बात करूं तो एकेडमिक में इम्प्रूवमेंट है, बहुत सारे चीजों में आपको डेवलपमेंट की जरूरत है, इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। पेशेंट इनफ्लो में आपको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। लिविंग कंडीशन की बात करें तो लैंग्वेज यहाँ पे हिंदी और हरियाणवी और इंग्लिश बोली जाती है,
इजी टू एडेप्टेबिलिटी है, सेफ्टी सिक्योरिटी में कोई गैप नहीं है। अगर यहाँ के बजट की अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे आपको MBBS प्रोग्राम के लिए कितना बजट रखना पड़ेगा, तो 76,90,000 आपको पूरा बजट आपको MBBS प्रोग्राम के लिए आपको पे करना पड़ेगा। अगर इसके कॉस्ट ब्रेकअप की बात करें तो फर्स्ट ईयर आपको 15,04,400 आपको पे करना पड़ेगा, सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स आपको 15,94,000 ऑल इंक्लूसिव पे करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको एनुअल इंक्रीमेंट है 7.5% का, कॉशन मनी 2,80,000 है, हॉस्टल 75,000 है, ट्यूशन फीस 12,00,000 पर ईयर है, और आपको ये 4.5 ईयर का टेन्योर में पे करना। मिसलिनियस 1,19,400 है, अदर चार्जेज आपको 1,10,000 का है। अगर मैं पीजी कोर्स की बात करूं तो अभी प्री क्लिनिकल स्टार्ट हुआ है, पारा क्लिनिकल भी अभी स्टार्ट होने वाला है। क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स यहां पे हैं जिसमें आपको एनेस्थीसिया, डर्मा, जनरल मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, रेडियो, जनरल सर्जरी, ओबीजी, ऑर्थोलॉजी और ऑर्थोपेडिक्स ब्रांचेज हैं अभी अवेलेबल। जिसकी फीस स्ट्रक्चर की बात करूं तो 14,02,000 पर एनम है। अभी यहां पे सुपर स्पेशलाइजेशन कोर्स स्टार्ट नहीं हुआ है। सो ये थी आपको एनसी मेडिकल कॉलेज पानीपत की पूरी डिटेल, पूरी जानकारी। अगर मैं गेट माई यूनिवर्सिटी फीडबैक की बात करूं तो कॉलेज में कुछ गैप्स हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, और आपको बजट वाइज और भी ऑप्शन आप देख सकते हो कॉलेज के अलावा। सो और भी नए कॉलेज की एनालिसिस और नए कॉलेज की वीडियो रिव्यू के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।